हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीयूष आनंद ऑफिशियल। मैं हूँ पीयूष एंड कैसे हैं आप सभी। आज के हॉल वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मीशो पार्टी वेयर साड़ी। फुल्ली पार्टी वेयर साड़ी है जिन्हें आप किसी भी तरीके की पार्टीज में, वेडिंग में एंड फेस्टिवल में वेयर कर सकते हैं। आज का कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली है क्योंकि आज की जितने भी साड़ीज मैं आपके साथ शेयर करूँगी सभी अंडर 800 रुपीज़ हैं। सो बजट फ्रेंडली तो है ही। सो वीडियो को पूरी देखिएगा, बिना स्किप किए हुए। सभी साड़ियाँ एक से बढ़ के एक है, आपको जरूर पसंद आएगी। एंड इनमें से जो भी आपको परचेज करना हो तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेकआउट जरूर कीजिएगा क्योंकि सभी साड़ियों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप अपने लिए परचेज कर सकते हैं। सो अब वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए लेट्स गो। फ्रेंड, जो फर्स्ट साड़ी है ना बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। ये कुछ ऐसी है, रानी पिंक कलर की है एंड इसके साथ गोल्डन कलर की जड़ी वर्क मिलती है। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कलर है, हर स्किन टोन पे सूट करने वाली कलर है। वैसे इसमें और भी कलर्स अवेलेबल है, अगर आपको ये कलर नहीं परचेज करना तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई दूसरी कलर भी चूज कर सकते हैं। फ्रेंड, साड़ी कुछ ऐसी है, इसका जो नीचे का बॉर्डर एरिया है ये कुछ ऐसा है, बहुत ही चौड़ी सी बॉर्डर मिलती है जैसा कि आप देख रहे हैं। गोल्डन कलर की जड़ी वर्क है इसमें, बॉर्डर पे इस तरीके की पीकॉक्स एंड फ्लावर्स वाले जड़ी वर्क किए गए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। एंड उसके बाद पूरे साड़ी के मिडिल पार्ट में ना इस तरीके की जड़ी वर्क मिलती है, फ्लावर्स बने हैं वर्क से। एंड इसके बाद जो ऊपर का पोर्शन है वहाँ पे इस तरीके की पतली सी बॉर्डर मिलती है, इसमें भी बहुत ही अच्छी सी एम्ब्रॉयडरी की गई है जैसा कि आप देख रहे हैं, फ्लावर्स बने हैं, फुल्ली जड़ी वर्क में ये साड़ी है। सो अब इस साड़ी को ओपन करके आपको दिखाती हूँ। साड़ी पूरे 5 मीटर की है, बिल्कुल भी कम नहीं है। ट्राई ऑन आपको साइड में शो होगा तो आप वहां से देख सकते हैं। एंड जैसी पिक में शो हो रही थी बिल्कुल वैसी ही रिसीव हुई है। क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है साड़ी की। एंड इसकी जो फिनिशिंग है, वर्क की फिनिशिंग जो है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। प्राइस आपको यहाँ स्क्रीन पे शो हो रहा है, वहाँ से आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज की साड़ी है। शिफॉन की साड़ी वेयर करने के बाद और भी अच्छी लुक देती है, थोड़ी सी स्लिम लुक देती है। ये कुछ ऐसी है, आप देख सकते हैं पूरे साड़ी को इस तरीके की बॉर्डर मिल रही है, पूरे ही साड़ी पे ऐसी बॉर्डर मिल रही है। पूरे 5 मीटर की साड़ी है आप देख रहे हैं। एंड इसका आंचल कुछ ऐसा है, सेम आंचल है जैसे साड़ी में एम्ब्रॉयडरी की गई है, उसी एम्ब्रॉयडरी में आंचल भी मिलती है। एंड आंचल में ना इस साइड में इस तरीके की टैसल्स मिल रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। पिंक एंड गोल्डन कलर की टैसल है एंड साथ में यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है ये वाली चीज़। मुझे इस तरीके की डिज़ाइन बहुत कम ही मिलती है, टैसल्स तो मिल जाते हैं पर ऐसी वाली जाली वर्क थ्रेड से बहुत ही कम मिलती है। सो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। अगर आपको ये साड़ी पसंद आ रही है तो आप अपने लिए परचेज कर सकते हैं। इसका जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट जरूर करिएगा। सो अब मैं दिखाती हूँ इसके साथ जो ब्लाउज पीस आई है वो। इसके साथ जो ब्लाउज पीस मिलती है ये कुछ ऐसी है, कंट्रास्ट लुक में है ये, इस तरीके की कलर है, ग्रीनिश कलर में है ये। एंड साथ में इसी तरीके की गोल्डन कलर की जड़ी वर्क मिल रही है। इस तरीके की ब्लाउज पीस है, काफ़ी अच्छी फैब्रिक दी गई है, ये भी शिफॉन की फैब्रिक है शायद। एंड इसमें भी इस तरीके की जड़ी वर्क मिल रही है, फुल्ली पीस में इस तरीके की ही जड़ी वर्क मिल रही है। ये जो ब्लाउज पीस है ना ये मुझे 80 सेंटीमीटर से थोड़ी ज़्यादा ही लग रही है। सो आप थोड़े हेल्दी भी हों तो ये आ जाएगी, ऐसा पीस है इसका, आप देख ही रहे। इस साड़ी के साथ ये ब्लाउज पीस बहुत ही अच्छी जाएगी, कॉन्ट्रास्ट लुक में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। ये थी फर्स्ट साड़ी, बहुत ही ब्यूटीफुल, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। मैं इसे हाईली रिकमेंड करूंगी, अगर आपको पसंद आ रही है तो आप अपने लिए जरूर परचेज करिएगा। सो लेट्स मूविंग टू द नेक्स्ट साड़ी। सो फ्रेंड, जो नेक्स्ट साड़ी है वो आपने देखा है थंबनेल में, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल साड़ी है, ग्रीन कलर की साड़ी है एंड ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। ये कुछ ऐसी है, ग्रीन कलर की बांधनी प्रिंट है इसमें। सो मैं ये साड़ी आपको दिखाती हूँ ओपन करके। साड़ी कुछ ऐसी है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कलर है ये, इसे आप वेडिंग मेहंदी में भी वेयर करेंगे तो लुक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आएगी। बांधनी प्रिंट में है ये एंड इसकी प्रिंट की क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसमें बहुत ही प्यारी सी बॉर्डर बनाई गई है एंड ये साड़ी की जो फिनिशिंग है ना A1 फिनिशिंग है, बिल्कुल भी थ्रेड इधर का उधर नहीं है एंड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इस साड़ी की जो फैब्रिक है ये जॉर्जेट में है एंड बॉर्डर जैसा
ही आप देख रहे हैं गोल्डन कलर की बॉर्डर बनाई गई है, जड़ी वर्क है एंड साथ में इसमें सीक्वेंस भी लगाए गए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा शाइन कर रहे हैं, लुक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। सो इस साड़ी को मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ। सो सबसे पहले इस तरीके की फैब्रिक मिलती है ब्लाउज के लिए जो कि साड़ी के साथ अटैच में है, ग्रीन कलर की सेम कलर की ब्लाउज की पीस है एंड ये पूरी प्लेन मिलती है ब्लाउज की पीस एंड बॉर्डर पे इस तरीके की मिलती है जिसे आप स्लीव्स पे या नेक पे जैसे आप चाहे डिजाइन करा सकते हैं। फैब्रिक की जो लेंथ है ना ये काफी अच्छी खासी दी गई है तो ये हेल्दी लोगों के लिए भी आ जाएगी, कम नहीं पड़ने वाली है। सो अब देखते हैं ये साड़ी, साड़ी कुछ ऐसी मिलती है, इसका जो स्टार्टिंग पार्ट है यहाँ पे इस तरीके की प्रिंट मिलती है एंड यहाँ पे बॉर्डर नहीं मिलती है। जो ये जो स्टार्टिंग का पार्ट होता है ये प्लेन दिया गया है क्योंकि ये जो होता है ना हमारे बॉडी में छुप जाता है, दिखता नहीं है। सो इसका बॉर्डर थोड़ा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बॉर्डर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है आप देख सकते हैं, इस तरीके की बॉर्डर मिलती है नीचे की साइड में एंड उसके बाद सेम ऐसा ही बांधनी प्रिंट पूरे साड़ी पे आ रहा है। साड़ी पूरे 5 मीटर की है सो पूरी लेंथ की साड़ी है ये। उसके बाद ये बॉर्डर अपर साइड में भी स्टार्ट होती है, सेम जैसे नीचे की साइड में बॉर्डर मिल रही है वैसी ही ऊपर की साइड में भी बॉर्डर मिलती है, चौड़ाई बोथ साइड सेम दी गई है बॉर्डर की एंड ये है हमारा आंचल। आंचल में इस तरीके की चारों किनारों पे इस तरीके की बॉर्डर दी गई है गोल्डन कलर के साथ एंड साइड में जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे त्रिकोण वाले लेसेस भी लगाए गए हैं। लुक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आ रही थी एंड बहुत ही कंफर्टेबल साड़ी है, जॉर्जेट फैब्रिक की है तो कम्फर्टेबल है। इसे आप परचेज कर सकते हैं, इसका जो भी परचेज कोड होगा या फिर लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुझे ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है, वेयर करके इसका लुक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आ रहा था। आपने ट्राई ऑन देख लिया है एंड प्राइस ऊपर सो हो रही है वहां से आपको पता चल रही है एंड जैसी ये मीशो की पिक में दिख रही थी ना बिल्कुल सेम वैसी ही मुझे रिसीव हुई है। सो फ्रेंड्स ये थी सेकंड साड़ी, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। अगर आपको बांधनी प्रिंट की साड़ीज वेयर करना पसंद है तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, सब्सक्राइब के बाद बेल बटन एंड उसके बाद ऑल के ऑप्शन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूले जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जाएगी एंड आप मेरी वीडियो को देख पाएंगे सबसे पहले। सो फ्रेंड्स अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट साड़ी जो है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मल्टी कलर में है साड़ी कुछ ऐसी है। चलिए जल्दी से फटाफट साड़ी दिखाती हूँ मैं आपको, ये साड़ी कुछ इस तरीके की मिलती है। ये जो साड़ी है ये भी ब्लाउज पीस से स्टार्ट हो रही है, इस तरीके की ब्लाउज पीस मिल रही है स्काई ब्लू एंड ब्लू कलर में, ब्लू कलर में ही डिफरेंट डिफरेंट शेड्स यूज किए गए हैं ब्लाउज की फैब्रिक के लिए एंड ब्लाउज पीस जो है ना पूरा ही प्लेन है। इस तरीके की बॉर्डर मिलती है, क्वाइंस वाले लेसेस लगाए गए हैं इसमें गोल्डन कलर के जिन्हें आप स्लीव्स में लगवा सकते हैं या फिर चाहे तो नेक पे डिजाइन करा सकते हैं। ये जो ब्लाउज की पीस है पूरे 80 सेंटीमीटर की है, जॉर्जेट फैब्रिक है इसकी। सो अब देखते हैं साड़ी, सो यहाँ से साड़ी स्टार्ट हो रही है इस तरीके की, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल से कलर यूज़ किए गए हैं इसमें, बहुत ही वाइब्रेंट से कलर हैं। उसके बाद इस तरीके की सीक्वेंस लगी मिलती है पूरे ही साड़ी पे, इस तरीके की सीक्वेंस वाली लाइंस जारी है एंड इसका जो नीचे का एरिया है ना वहाँ पे इस तरीके की बॉर्डर मिलती है, लेस लगाए गए हैं क्वाइंस वाले गोल्डन कलर के जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। ऐसे लेस मिलते हैं पूरे साड़ी पे, इस तरीके की लेस एंड सीक्वेंस लगाई गई है। ये जो साड़ी है ये जॉर्जेट फैब्रिक में है, कलर बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट है, वेयर करके लुक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आ रहा था। साइड में आपको लुक शो हो रहा है वहाँ से आप देख सकते हैं एंड इसका जो प्राइस है ये ऊपर यहाँ पे शो हो रहा है वहाँ से आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज की है एंड साड़ी जो है ना बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है। मैंने इसे वेयर किया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल लगा था एंड इसके बाद जो आंचल स्टार्ट होता है ना वहाँ पे इस तरीके की बॉर्डर अपर पार्ट पे भी मिल रही है एंड नीचे की साइड में तो पूरी साड़ी पे बॉर्डर है ही, इस तरीके की लेसेस नीचे में है ही एंड आंचल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे भी इस तरीके की लेस मिल रही है लगी हुई। उसके बाद एंड इस तरीके की सीक्वेंस पूरे साड़ी पे है जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरे आंचल तक इस तरीके की सीक्वेंस मिलती है एंड आंचल में इस किनारे पे इस तरीके की बॉर्डर मिल रही है। इसे आप छोटे मोटे पार्टीज में, फंक्शन में, फेस्टिवल्स में वेयर कर सकते हैं, बहुत ही लाइट वेट की साड़ी है एंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, थोड़ी डिफरेंट लुक की साड़ी है। सो अगर आपको पसंद आ रही है तो आप इसे परचेज कर सकते हैं, इसका जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट साड़ी। नेक्स्ट साड़ी जो है ना वो भी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। इस तरीके की डार्क मरून कलर में है ये, एंड ये थोड़ी हेवी साड़ी है। इसे आप फेस्टिवल्स में एंड वेडिंग में वेयर कर सकते हैं। लुक बहुत ही ज्यादा अच्छी आएगी। एंड ये जो ऐसी पिक में दिख रही थी बिल्कुल वैसी ही रिसीव भी हुई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। पिक भी मैं आपको साइड में सारी साड़ियों की दिखाती जाऊंगी, वहां से आप देख सकते हैं जैसी पिक में थी वैसी ही मिली है। सो सबसे पहले मैं आपको इसकी साड़ी दिखाती हूँ। स्टार्ट करते हैं साड़ी। सो फ्रेंड, इस साड़ी में जो ब्लाउज की फैब्रिक मिली है ना वो अलग से मिली है। बाकी साड़ियाँ जो आपने देखी है उसमें साड़ी के साथ अटैच थी ब्लाउज, पर इसमें अलग से फैब्रिक मिली है ब्लाउज के लिए। सो फ्रेंड, साड़ी स्टार्ट करते हैं। इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी मिलती है पूरे ही साड़ी पे। गोल्डन कलर की जरी वर्क के साथ गोल्डन कलर के सीक्वेंस लगाए गए हैं, जो कि काफी अच्छा शाइन आ रही है इसमें। पूरे साड़ी पे ऐसी ही एम्ब्रॉयडरी की गई है, एंड नीचे की साइड में ना बहुत ही प्यारा सा बॉर्डर दिया गया है। इस तरीके का बहुत ही हेवी सा बॉर्डर है, आप देख रहे हैं। ये जो बॉर्डर है ना साड़ी के ऊपर पैच वर्क किया गया है। बैक साइड से मैं आपको दिखा देती हूँ, ये कुछ ऐसी है। इस तरीके की साड़ियाँ जो होती है इसमें अगर आप फॉल ना भी लगाओ तो चल जाती है, क्योंकि नीचे की साइड में हेवी सा पैच वर्क मिलता है साड़ी में। गोल्डन कलर की जरी वर्क है, गोल्डन कलर की सीक्वेंस है, एंड साथ में ग्रीन एंड रेड कलर की थ्रेड वर्क दी गई है, जिससे इस साड़ी का लुक बहुत ही ज़्यादा हेवी आ रहा है। इसी तरीके की बॉर्डर पूरे साड़ी पे मिलती है, एंड इस तरीके की बीच बीच में एम्ब्रॉयडरी मिलती है पूरे साड़ी पे। इसके बाद जो आंचल स्टार्ट हो रही है वहाँ से इस तरीके की बॉर्डर, जैसे कि नीचे की साइड में बॉर्डर थी, सेम ऐसी ही बॉर्डर ऊपर की साइड में भी स्टार्ट हो रही है। पूरे आंचल पे ऐसी बॉर्डर मिल रही है। बॉर्डर वाली साड़ियाँ वेयर करना ऐसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड आई थिंक आपको भी पसंद होगा। अगर आपको पसंद है बॉर्डर वाली साड़ियाँ वेयर करना तो आप इसे ज़रूर परचेज करिएगा, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल साड़ी है। एंड फ्रेंड्स, इसमें भी कलर ऑप्शन है, अगर आपको ये कलर नहीं पसंद आ रही है तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई दूसरी कलर भी चूज़ कर सकते हैं। इसका जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। एंड इस तरीके की आंचल मिल रही है साड़ी में, सेम ऐसी बॉर्डर पूरे आंचल पे है, चारों किनारों पे इस तरीके की बॉर्डर मिलती है। लुक आपको साइड में शो हो रहा है, एंड प्राइस ऊपर शो हो रहा है, काफी बजट फ्रेंडली साड़ी है। एंड इसका जो फैब्रिक है ना ये थोड़ी सी सिल्क फैब्रिक में है, कपड़े में जैसे शाइन आती है उस तरीके की फैब्रिक है ये। सो अब देखते हैं इसके साथ जो ब्लाउज पीस आई है, वो ब्लाउज पीस जो है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा हेवी है। तो ऐसी ब्लाउज पीस मिलती है, बहुत ही हेवी वाली ब्लाउज पीस है इसमें। अगर ब्लाउज पीस आप इसको बनवाते हो ना तो लुक बहुत ही ज़्यादा हेवी आएगा, साड़ी का लुक और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर इस ब्लाउज को स्टिच कराते हैं तो। ब्लाउज पीस कुछ ऐसी है, यह है फ्रंट नेक, एंड इसमें इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी मिलती है। बहुत ही ज़्यादा हेवी ब्लाउज है इसका, एंड साथ में इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी साइड में दी गई है स्लीव्स के लिए। स्लीव्स भी इसकी बहुत ही हेवी आएगी, आप देख रहे हैं। इसकी जो स्लीव बनेगी ना ये यहाँ एल्बो से थोड़ी ऊपर वाली स्लीव बनेगी। बोथ स्लीव्स के लिए इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी मिलती है, साथ में अटैच्ड है स्लीव का भी पोर्शन। एंड फ्रेंड, इसके साथ बैक साइड के लिए भी फैब्रिक मिली है, जो अभी मुझे नहीं मिल रही, कहीं इधर उधर हो गई है। बट बैक साइड के लिए जो फैब्रिक मिली है ना वो पूरी ही प्लेन है। सो फ्रेंड, अब देखते हैं हमारे वीडियो का लास्ट बट नॉट द लिस्ट साड़ी। एंड साड़ी देखने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है एंड अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक। एंड मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको कौन सी साड़ी पसंद आई, वीडियो कैसी लगी। सो अब दिखाती हूँ हमारी लास्ट साड़ी इस वीडियो की, वो की है ये रेड कलर की बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल साड़ी। अगर आप न्यूली मैरिड हो ना तो ये साड़ी आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल साड़ी है। सिल्क की साड़ी है रेड कलर की, इसमें भी कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप रेड नहीं चाहते तो कोई और भी कलर आप अपने लिए परचेज कर सकते हैं, काफ़ी सारे कलर ऑप्शन हैं इसमें। बहुत ही ज़्यादा हेवी साड़ी है, एंड प्राइस तो आपको पता ही है, अंडर 800 रुपीज़ की साड़ी है ये। बट लुक वाइज बिल्कुल भी नहीं लग रही है कि अंडर 800 रुपीज़ की ये साड़ी है, बहुत ही हेवी लुक देने वाली साड़ी है। इसे आप वेडिंग वगैरह में वेयर करेंगे तो लुक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल आएगी। सो चलिए साड़ी में आपको इसकी दिखाती हूँ।
ये भी जो साड़ी है ना जैसी पिक में दिख रही थी बिल्कुल वैसी ही आई है। मैं इस साड़ी से बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है एंड फुल्ली 5 मीटर की साड़ी है, कहीं से भी कम नहीं है। इस साड़ी में भी ब्लाउज की फैब्रिक अटैच मिलती है। सो सबसे पहले इसकी ब्लाउज फैब्रिक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इस तरीके की ब्लाउज की फैब्रिक मिली है इसमें, प्लेन रेड कलर की एंड इस तरीके की स्लीव्स के लिए बॉर्डर मिलती है गोल्डन कलर की एंड ब्लाउज की जो फैब्रिक है पूरे 80 सेंटीमीटर की है। उसके बाद यहाँ से साड़ी स्टार्ट हो रही है। यह है साड़ी का अपर एरिया, इस तरीके की बॉर्डर मिलती है गोल्डन कलर की, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सी पूरे साड़ी पे ऐसी बॉर्डर मिलती है एंड उसके बाद यहाँ पे इस तरीके की जरी वर्क मिल रही है पूरे साड़ी पे, जो भी आपको गोल्डन कलर की दिख रही है साड़ी ही बहुत ही ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग के साथ जरी वर्क की गई है एंड इस तरीके की सर्कल शेप में डिज़ाइन बनाई गई है फ्लावर्स वाली, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। उसके बाद जो नीचे का पोर्शन है ना वहाँ पे बहुत ही हेवी सा इस तरीके का बॉर्डर बनाया गया है, आप देख रहे हैं बहुत ही हेवी बॉर्डर है, लुक बहुत ही ज़्यादा हेवी है इस साड़ी की। सिल्क फैब्रिक में है ये साड़ी, ऐसी ही पूरी साड़ी जाती है एंड फिर उसके बाद फ्रेंड्स अपर साइड में भी इस तरीके की चौड़ी सी बॉर्डर स्टार्ट हो रही है। जैसे कि नीचे में बॉर्डर है ना चौड़ी सी, बिल्कुल वैसी ही बॉर्डर अपर साइड में भी स्टार्ट हो रही है एंड फ्रेंड्स यह है इसका आंचल। आंचल पे कुछ इस तरीके की जरी वर्क मिल रही है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सी, बहुत ही ज़्यादा हेवी लुक वाली साड़ी है। अगर आपको पसंद आ रही है तो आप इसे ज़रूर परचेज करिएगा, मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। लुक जो है आपको साइड में शो हो रहा है, वहाँ से आप देख रहे हैं एंड प्राइस आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। सो इसका जो बैक साइड है ना वो मैं आपको दिखाती हूँ। बैक साइड से ये साड़ी कुछ ऐसी है, बैक साइड से भी इसकी जो फिनिशिंग है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी की गई है। प्राइस के अकॉर्डिंग ये साड़ी वर्थ इट है, अगर आपको पसंद आ रही है तो आप ज़रूर परचेज करिएगा। सभी साड़ीज बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी एंड बहुत ही अच्छी फैब्रिक में है, फिनिशिंग सभी की बहुत ही ज़्यादा अच्छी आई है। अगर आपको परचेज करनी हो इनमें से कोई भी तो आप परचेज कर सकते हैं। सभी साड़ियाँ हाईली रिकमेंडेड है मेरी ओर से, इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप चेकआउट ज़रूर करिएगा एंड मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, कौन सी साड़ी आपको पसंद आई है। सो फिर मिलूंगी आप सभी के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।